नमस्ते दोस्तों फार्मा नोट्स की इस वीडियो लेक्चर में आप सबों का स्वागत है आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जी पैट संडे क्विज़ के पार्ट थर्टी थ्री को डिस्कस करने वाले हैं तो चलिए आज के इस शानदार सेशन को स्टार्ट कर देते हैं देखिए यहाँ पे पूछता है बार्बीच्यूरिक एसिड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हमें बताना है बार्बीचुर एसिड कौन से कंस्टिट्यूएंट से बनता है यहाँ पे सब्सिट्यूंट देखिए ऑप्शन में दिया यूरिया के साथ में मेवेलोनिक एसिड ऑप्शन में दिया यूरिया के साथ में मैलिक एसिड यूरिया के साथ में मैलोनिक एसिड या फिर यूरिया के साथ में ऑक्सैलिक एसिड तो यहाँ पे देखिए इसका सही जवाब होगा देखो यूरिया जो है ना वो मैलोनिक एसिड के साथ में कॉम्बाइन होता है यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाते हैं दो वाटर मॉलिक्यूल और ये कम्बाइन होकर बार भी चूरिक एसिड बनता है दोस्तों तो सही जवाब होगा ये ऑप्शन सी यूरिया के साथ में मैलोनिक एसिड दोस्तों चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे देखो यहाँ पे पूछा है स्ट्रक्चर ऑफ डायजेपाम डू नॉट हैव के स्ट्रक्चर में क्या नहीं होगा देखो बोलता है फीनिल ग्रुप फाइव पोजिशन पे कीटोन ग्रुप सेकंड पोजिशन पे मिथिल ग्रुप पोजिशन वन पे या फिर क्लोरिन ग्रुप एट पोजिशन सिक्स तो इसमें से क्या नहीं होगा तो ये यह देखिए यहाँ पे ये डायजेपाम का स्ट्रक्चर बना है पांचवे पोजिशन पे देख सकते हैं हम यहाँ पे फिनिल ग्रुप अटैच है हाँ है सेकंड ग्रुप पे देखिए कीटोन ग्रुप है फर्स्ट पोजीशन पे एक मिथिल ग्रुप है और सिक्स पोजीशन पे क्लोरीन देखो सिक्स पे तो कोई क्लोरीन नहीं है लेकिन सेवन पोजीशन में जो हाइलोजन है वो क्लोरीन है तो यहाँ से ऑप्शन डी सही होगा दोस्तों ये पम्प के लिए गलत है क्लोरीन जो है वो सेवन पोजीशन पे होगा ना कि सिक्स पे चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे देखो पूछता है द स्ट्रक्चर ऑफ पेनिसिलिन कंसिस्ट ऑफ पेनिसिलिन में क्या होगा इसमें से देखो बिटाल एक्टम रिंग होगा थायाजोली डीन होगा या फिर थायाजोली थाया होगा इसमें या फिर होगा बोथ ए एंड बी देखो यहाँ पे थाया, थाया डायाडीन है और ये बिटालैक्टम है तो पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर तो हमें पता है सभी को पता है ये बिटालैक्टम रिंग तो इसमें होता ही है दोस्तों देखो समझते हैं ये पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर है हम अगर इस रिंग को देखेंगे ये फोर मेंबर साइक्लिक का रिंग है जिसमें अमाइड अटैच है यहाँ पे देखो सी ओ एन एच करके तो ये जो अमाइड रिंग होता है फोर मेंबर साइक्लिक रिंग इसे बिटा लैक्टम रिंग कहा जाता है जो कि पेनिसिलिन में प्रेजेंट है और बात करेंगे यहाँ पे थायाजोलीडीन की देखो थाया, थाया यानी होता है सल्फर तो सल्फर है अजा यानी होगा नाइट्रोजन भी है और ये ओलिडीन जो फाइव मेंबर रिंग होता है जिसमें पूरा रिंग सैचुरेटेड होता है दोस्तों इडीन का मतलब क्या होगा यहाँ पे पूरा रिंग सैचुरेटेड है, है ना? तो एक नाइट्रोजन एक सल्फर होगा तो ऐसा रिंग भी इसमें है तो यहाँ से बिटाल लैक्टम रिंग भी होगा और थायाजोलीडीन होगा ठीक है डायाजा यानी दो नाइट्रोजन दो नाइट्रोजन तो है नहीं तो ये थायाजोलीडीन होगा लैक्टम यानी बोथ ए एंड बी आपको टिक करना होगा दोस्तों ठीक है तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे देखो पूछा है आर ग्रुप इन पेनिसिलिन जी इज देखो पेनिसिलिन अलग अलग पेनिसिलिन वी होता है पेनिसिलिन जी होता है तो इसमें पेनिसिलिन जी पूछा है जिसमें ये आर ग्रुप क्या होगा ये स्ट्रक्चर जो है पेनिसिलिन का इसमें ये आर ग्रुप की जगह पे हम कौन सा यहाँ से ऑप्शन में से आ, रखेंगे ग्रुप तो ये पेनिसिलिन जी बनेगा दोस्तों ऑप्शन में देखिए ये दिया है ये स्ट्रक्चर है फिर ये यहाँ से तो यहाँ से सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों देखते हैं हमें इसके लिए पता होना चाहिए पेनिसिलिन जी और पेनिसिलिन वी के नाम तो पेनिसिलिन जी को बोला जाता है बेंजिल पेनिसिलिन तो यहाँ से जो भी बेंजिल होगा वो सही होगा दोस्तों तो ये वाला फिनिल रिंग को एक मिथिल ग्रुप बैठा जाए जिसे बेंजिल ग्रुप कहा जाता है ये बेंजिल ग्रुप अगर हम आर जगह पर रखते इस आर ग्रुप की जगह तो ये बनेगा पेनिसिलिन जी दोस्तों ठीक है जिसका नाम होगा बेंजिल पेनिसिलिन तो यहाँ से ऑप्शन सी सही होगा अगर हमें पेनिसिलिन वी पूछते हैं तो इसका नाम होता है फिनॉक्सी मिथिल ठीक है फिनॉक्सी मिथिल पेनिसिलिन यानी ये वाला फिनॉक्सी होगा ये और ये मिथिल फिनॉक्सी मिथिल पेनिसिलिन हो जाएगा तो यहाँ पे ये फिनॉक्सी मिथिल जब लगेगा तो पेनिसिलिन वी लिखना है और एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं जो पेनिसिलिन जी होता है ना वो एसिड लेबाइल होता है एसिड सेंसिटिव होता है एसिड के प्रेजेंस में ये काम नहीं कर पाता है तो इसके लिए इसे हम ओरली नहीं लेते हैं क्योंकि ओरली लेंगे तो स्टमक में एसिड होता है तो वो इसे खराब कर देगा तो इसे हम लेते हैं आई या फिर आई रूट से है ना इंट्रा मस्कुलर या फिर इंट्रा वेन, वेन के रूट रूट से ले सकते हैं और पेनिसिलिन वी जो होता है वो एसिड स्टेबल है एसिड रेजिस्टेंस है इसके ऊपर एसिड का कोई प्रभाव नहीं होगा तो ये इसे हम ओरली दे सकते हैं ठीक है थीके? इस पर भी सवाल बन सकता है ये भी आपने ध्यान में रखना है चलिए यहाँ पे आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे देखो पूछता है नेफ्थैलिन न्यूक्लियस प्रेजेंट इन नेफ्थेलिन जो न्यूक्लियस है वो किस में प्रेजेंट होगा नैफेलिन यानी तीन बेंजीन रिंग होता है एक दूसरे को कनेक्टेड होते हैं कंटिन्यूसली तो ये नेफ्लिन न्यूक्लियस किस में प्रेजेंट होता है ऑप्शन में देखिए टोब्रामाइसिन एमोक्सिसिलिन एम्पिसिन या फिर टेट्रासाइक्लिन तो यहाँ से सही जवाब क्या होगा दोस्तों ऑप्शन डी सही होगा टेट्रासाइक्लिन में ये नेफ्लिन रिंग प्रेजेंट होता टे है टेट्रासाइक्लिन नाम में ही है टेट्रा यानी चार और साइक्लिन चार साइकिल दूसरे के साथ अटैच है यहाँ पे भेजे तो ये इसे हम नेफ्तेलिन रिंग बोल सकते हैं तो ये नेफ्लिन रिंग इसमें प्रेजेंट होता है टेट्रासाइक्लिन के अंदर और यहाँ से एमोक्सिसिलिन एम्पीसिल हमें पता है ये पेनिसिलिन कैटेगरी से हायर एंटीबायोटिक है और ये टोब्रामाइसिन जो है वो एक अमाइनोग्लाइकोसाइड है जो बैक्टीरिया से मिलता है जिसका नाम होता है स्ट्रेप्टोमाइसिस टेनेब्रायरियस ठीक है टेनेब्रायरियस करके एक बैक्टीरिया होता है जिससे इसको निकाला जाता है टोब्रामाइसिन करके एंटीबायोटिक अमाइनोग्लाइकोसाइड में आता है यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन का स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं ठीक है इस तरीके से ये टेट्रासाइक्लिन होगा इसकी नंबरिंग भी देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन और ये ट्वेल्व ठीक है इस तरह का नंबर और यहाँ पे अलग अलग ग्रुप प्रेजेंट होते हैं आर वन आर टू आर थ्री आर फोर तो इस जगहों पे अगर हम देखेंगे टेट्रासाइक्लिन में हमें आर वन आर फोर पर हाइड्रोजन ही लिखना है आर टू पर हाइड्रोक्सी ग्रुप और आर थ्री पे एक मिथिल ग्रुप लगा दे तो ये टेट्रासाइक्लिन बनेगा और डॉक्सीसाइक्लिन भी टेट्रासाइक्लिन कैटेगरी में आता है ये भी याद रखना है और इसमें हम देखेंगे आर टू की जगह पे हमें सी एस थ्री मिथिल ग्रुप लगाना है और आर फोर की जगह पे हाइड्रोक्सी लगा के आर वन आर थ्री पर हाइड्रोजन लगा देना है तो डॉक्सीसाइक्लिन का भी स्ट्रक्चर बन जाता है ठीक है तो बस याद रखिएगा डॉक्सीसाइक्लिन साइक्लिंग की कैटेगरी में है आता है और इनके स्ट्रक्चर जो है वो मिथिल ग्रुप आएगा हाइड्रोक्सी ग्रुप आएगा बाकी दो जगहों पे हाइड्रोजन आता है दोस्तों और हाँ दोस्तों हमारे फार्मा नोट्स की जो पीडीएफ मेंबरशिप है आज ही ज्वाइन करना है बाय कंट्रीब्यूटिंग थाउजेंड रुपीज हमारे चैनल के लिए बाय पेटीएम या फिर फोनपे से हमारे इस मोबाइल नंबर को यूज करके एट को अगर कोई कैरी है तो आप हमें इसी नंबर पे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और जैसे ही आपका कंट्रीब्यूशन हो जाता है हम आपको हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल से लिंक करा देंगे जहाँ पे आपको ये सारा मटेरियल एक पी के फॉर्म में मिलेगा जिससे आपको काफ़ी लाभ हो सकता है दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे देखिए यहाँ बोलता है मैच द फॉलोइंग स्टीराइड न्यूक्लियस विथ रिलेटिव कार्बन प्रेजेंट इन देम ठीक है नंबर ऑफ़ कार्बन प्रेजेंट है जिसमें होता है स्टेरायड न्यूक्लियस उसके बेस पर बेसिक स्टेरायड न्यूक्लियस हमें बताना है ठीक है यहाँ पर बेसिक स्टेरायड न्यूक्लियस के नाम लिखे और उसमें कितने कार्बन होते हैं वो लिखे ठीक है यहाँ पे तो कोई मैच uh, नहीं करना है आप लोगों को सामने ही लिख दिया है जैसे प्रेगनेंट होगा तो प्रेगनेंट में कितना कार्बन होता है प्रेगनेंट में पूरा इक्कीस कार्बन होगा दोस्तों ठीक है अब इसे याद कैसे रखोगे प्रेगनेंट तो प्रेगनेंसी हुई है इक्कीस करने से इक्कीस करने से क्या हुआ है प्रेगनेंसी हुई है तो हम याद रख सकते हैं प्रेगनेंट में इक्कीस कार्बन होते हैं फिर आएगा एंड्रोस्टेन एंड्रोस्टेन में होता है नाइनटीन कार्बन होते हैं दोस्तों अब इसे याद रखोगे कैसे ये एन है एन यानी एन है एन से नाइनटीन होगा ठीक है यानी इसमें भी आता है और ये एन है तो एन से नाइनटीन कार्बन होता है तो एंड्रोस्टेन जो बेसिक स्टेरॉयड न्यूक्लियस है उसमें नाइनटीन कार्बन होते हैं ऐसे याद रखना है फिर स्ट्रेन आएगा स्ट्रेन में होता है एटीन कार्बन होता है दोस्तों ठीक है स्ट्रेन तो ये ई है ई से एटीन भी होता है तो ये एटीन कार्बन जो होते हैं वो स्ट्रेन कंपाउंड में होगा और फिर कोलेस्टेन है कोलेस्टेन में सत्ताईस कार्बन होते हैं दोस्तों ठीक है ऐसा बोलना है ये कोलेस्टेन इसको हम छोले भी बोल सकते हैं तो छोले किसके सत्ता इसकी है है ना सत्ता इसकी है तो छोले भी इसी के होंगे तो सत्ताइस कार्बन में छोले आ गए छोले यानी कोलेस्टेन इस तरह से हम ये सारे बेसिक न्यूक्लियस में कितना कार्बन होते हैं याद रख सकते हैं स्टेरॉइड कैसे लिखते हैं देखिए दोस्तों इसका एक स्टेरॉइड कंपाउंड का स्ट्रक्चर देख सकते हैं ए बी सी डी करके ऐसे रिंग होते हैं ए बी सी तो सिक्स मेंबर रिंग होगा और डी जो है वो फाइव मेंबर रिंग होता है वो एक दूसरे के साथ इस तरीके से अटैच होते हैं ए बी सी जो मिलके जो बनाते हैं वो रिंग बोला जाता है उसे और ए बी सी डी जो बना दिया तो ये साइक्लोपेंटानो होगा साइक्लोपेंटानो पर हाइड्रो रिंग बनाएगा दोस्तों अब देखिए ये कोलेस्टेन दे का कंपाउंड है जिसमें सत्ताईस कार्बन है हम देख सकते हैं यहाँ पे नंबरिंग देना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन फिर एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन और ये ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ठीक है इस तरीके से तो हम इसमें कोई भी स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं अगर आपको यहाँ पे प्रेगनेंट निकालना है तो ये इक्कीस कार्बन तक निकाल लेना है आपको फिर एंडरस्ट्रेन निकालना है तो नाइनटीन कार्बन तक निकाल लेना है आपको स्ट्रेन निकालना है तो एटीन कार्बन तक ही निकालना है और कोलेस्ट्रेन तो ये पूरा कोलेस्ट्रेन हो जाएगा ठीक है

फिर आएगा प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट के प्रेग्नेंट जो होता है वो प्रोजेस्टेरोन के अंदर ये इधर का इधर होगा ये बेसिक न्यूक्लियस है और ये हमारा स्टीरोड कंपाउंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है तो इसके अंदर प्रेग्नेंट बेसिक न्यूक्लियस होता है दोस्तों ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे ये आपको शफल करके ये क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों यहां पे तो मैंने डायरेक्टली डिस्कस कर लिया लेकिन ये शफल करके आपको क्वेश्चन आ सकता है नेक्स्ट सवाल है बेसिक न्यूक्लियस इन कॉर्टिसोन एंड हाइड्रोकॉर्टिसोन इज न्यूक्लियस कौन सा होगा कॉर्टिसोन हाइड्रोकॉर्टिसोन जो कंपाउंड होते हैं इसमें यहाँ पे ऑप्शन दिया है स्ट्रेन एंड्रोस्ट्रेन प्रेग्नेंट या फिर कोलेस्ट्रेन ठीक है कार्बन तो पता है हमें स्ट्रेन में एटीन होता है एंड्रोस्ट्रेन में नाइनटीन प्रेगनेंट में इक्कीस कार्बन और कोलेस्ट्रेन में सत्ताईस कार्बन तो जो कोर्टिसोन और हाइड्रोकॉर्टिसोन जो है ये बनते हैं दोस्तों ये बेसिकली प्रेगनेन बेसिक न्यूक्लियस होता है इसमें इक्कीस कार्बन का तो यहाँ से ये प्रेग्नेंट को याद रखिएगा

या फिर कीटोन ग्रुप इन प्लेस ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप एट द इलेवन पोजिशन कार्बन यहाँ से कौन सा सही होगा देखो कार्टिसोन हाइड्रोकार्टिसोन में हमने देखा बेसिक न्यूक्लियस तो सेम होता है प्रेगनेंट होता है दोनों में एक ही है प्रेगनेट इक्कीस कार्बन वाला ठीक है तो ये तो कोई हो नहीं सकता डबल बॉन्ड भी नहीं हो सकता क्योंकि दोनों के स्ट्रक्चर तो काफी सेम ही होते हैं और देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं कॉर्टिसोन जो है वो 21 कार्बन का इस पे सी एलेवन पोजिशन पर देखिए यहाँ पे कीटोन ग्रुप अटैच है यहाँ पे डबल बॉन्ड हो और हाइड्रोकॉर्टिसोन में हम देख सकते हैं सी एलेवन पोजिशन पर यहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच होता है तो इसमें बेसिकली फंडा तो यही है यही फर्क है लेकिन ऑप्शन सी एंड डी देखिए काफ़ी मिलते जुलते हैं तो हमें बताना है कि हाइड्रोकॉर्टिसोन इज डिफर फ्रॉम कार्टिसोन ये कॉर्टिसोन से डिफरेंट क्यों है क्योंकि इसमें ओ ग्रुप प्रेजेंट है इन प्लेस ऑफ कीटोन ग्रुप तो ये वाला सही होगा ओएच ग्रुप इन प्लेस ऑफ कीटोन ग्रुप एट द 11 कार्बन पोजीशन तो ऑप्शन सी की सही करना है दोस्तों ठीक है जीपैड में बड़े-बड़े ऑप्शन होते हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है सभी ऑप्शन को धीरे-धीरे पढ़ना है नेक्स्ट क्वेश्चन uh, है बारबिट्यूरिक एसिड इज बारबिट्यूरिक एसिड का नाम बताना है आपको क्या होगा ऑप्शन में देखिए 135 ट्राईऑक्सो हेक्साहाइड्रो पिरिमिडिन टू फोर सिक्स ट्राई ऑक्सो हेक्साइड्रो पेमिडिन वन थ्री फाइव ट्राई ऑक्सो या फिर टू फोर सिक्स ट्राइक्सो तो यहाँ से देखिए ये पहले तो प्यरिन है या पिमिडिन इसे अपने ध्यान में लीजिए बारबीचोरिक एसिड हमने अभी बनाया था यूरिया और मैलोनिक एसिड से तो ये देखिए ये बनता है ये पेरीमिडिन होता है ये यूरिन में तो दो रिंग होते हैं ठीक है थीके? ये तो 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 है 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 सिंगल रिंग होगा दो नाइट्रोजन इसमें तो ये ऑप्शन तो ए या बी से सही होगा जवाब अब ये कौन दोस्तों ऑप्शन बी ठीक है टू फोर्टी सिक्स एसिड ऐसे बोल के याद रखिएगा नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे डाइजेपाम के ऊपर देखो इन डाइजेपाम नाइट्रोजन आइटम्स आर प्रेजेंट एट द पोजीशन बहुत आसान सवाल है दोस्तों लेकिन शायद गलती से भी ये गलत नहीं होना चाहिए ऐसे सवाल देखो डाइजेपाम के अंदर हम देख सकते हैं यहाँ पे बेंजो डाइजेपाइंस होता है ये तो इसके अंदर नाइट्रोजन की पोजीशन कहाँ है वो बतानी है तो देखिए ये वन होता है ये टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन इस तरीके से नंबरिंग होती है तो ये नाइट्रोजन जो है वन एंड फोर पोजिशन पर होता है दोस्तों तो यहाँ से ऑप्शन सही होगा डी ठीक है बाकी चीज़ों को भी याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट रिंग है तो डायजेपाइनस है डायजे पाम की तो ये वन पोजिशन पे मिथिल है टू से कीटोन है फाइव फोर में एक डबल बॉन्ड होता है फाइव पे फिन ग्रुप होता है सेवन पे क्लोरीन होता है दूसरा कोई आलोजन नहीं है ब्रोमिन आयोडीन जैसे यहाँ पे क्लोरीन अटैच होता है दोस्तों तो डाइजेपाम में इस स्ट्रक्चर को याद रखिएगा इस पर सवाल बन सकता है तो इस वीडियो में इतने क्वेश्चन दोस्तों आशा करता दो आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे पसंद आए होंगे और अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करना है शेयर करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है दोस्तों और हाँ उन लोगों से मेरी गुजारिश है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर देना है उसके बाद आने वाले बेल आइकन को क्लिक करना है और ऑल बटन को दबाना है दोस्तों इससे होता क्या है आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आपको यूँ ही लाभ होता रहेगा दोस्तों तो मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ में तब तक के लिए थैंक यू